स्वस्थ भारत के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हर अंक के माध्यम से हमारी ये कोशिश होती है कि अलग अलग बीमारियों के बारे में आपको हम पूरी पूरी जानकारी दे सकें ताकि आप अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ बनाए रखें। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे उस बीमारी के बारे में, या यूँ कहें कि उस स्वास्थ्य समस्या के बारे में जिसके बारे में बहुत पुराने समय से लोग ये कहते आ रहे हैं कि ये बीमारी तो दम के साथ ही जाएगा। आप समझ गए होंगे कि हम आज किस बीमारी पर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा है। आज हम बातें करेंगे दमा के बारे में, जिसे हम अस्थमा के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कोरोना पर भी, क्योंकि हम आप सभी देख रहे हैं कि कोरोना ने फिर से एक बार अपना नया रूप दिखाना शुरू कर दिया है। संक्रमितों की संख्या में वृद्धि होने लगी है, तो हम क्या करें और क्या ना करें इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि आज विशेष जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निशित कुमार। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। मौसम में बदलाव हो चला है, बहुत प्रचंड गर्मी से फिर धीरे धीरे अब बारिश के बूंदों ने कुछ मौसम में बदलाव लाना शुरू कर दिया है। ऐसे में बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो जाती हैं। एक तो हम उनका जिक्र आपसे जरूर करेंगे कि छाती से संबंधित अगर हम रोगों की बात करें तो कौन कौन सी समस्याएं इस तरह के मौसम में ज़्यादा होती हैं, और विशेष करके आज हम बात करेंगे दमा पर। देखिए, अगर बात करें हम बरसात के मौसम की, तो जैसे ही बरसात का मौसम आता है तो सडन टेम्परेचर वेरिएशन होता है। अब देखिए कि अभी हम लोग कुछ दिन पहले गर्मी से जूझ रहे थे, और गर्मी के बाद जैसे ही बरसात होता है तो टेम्परेचर कम हो जाता है, और इसके कारण कई सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं। छाती रोग की अगर हम बात करें तो स्पेशली ये फ्लू सीज़न है। अभी आप बहुत सारे लोगों को अगल बगल अगर देख रहे होंगे तो उन्हें फ्लू हो रहा है। फ्लू के जो सिम्टम्स हैं, कॉमन फ्लू के जो इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है, उसके सिम्टम्स और कोविड रिलेटेड जितने भी इलनेस होते हैं उसमें ओवरलैप है। मतलब दोनों में काफ़ी सारी समानताएं हैं। दोनों में बुखार होता है, सर्दी खांसी होती है, और दोनों को डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हमें सजग रहना है। अगर किसी को भी अगर फ्लू लाइक सिम्टम होता है, यानी कि सर्दी खांसी बुखार बदन दर्द होता है, तो फिर उन्हें आइसोलेट कर देना है, उनकी जाँच अवश्य कराएँ। घबराएं नहीं, क्योंकि अभी जो भी कोविड चल रहा है उसमें हमने ज़्यादातर देखा है कि माइल्ड फॉर्म ऑफ इलनेस ही है। उसमें मोर्टैलिटी या हॉस्पिटलाइजेशन रेट अनावश्यक रूप से उसमें वृद्धि नहीं हुई है, इसलिए डरें बिल्कुल भी नहीं, घबराएं बिल्कुल भी नहीं, लेकिन सजग रहें। बिल्कुल। इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहूँगी कि जिन लोगों ने वैक्सीन ले लिया है, जो वैक्सीनेटेड हैं, उनको क्या हो रहा है इस तरह की समस्या? देखिए, वैक्सीन जो है सीवियर फॉर्म ऑफ इलनेस से प्रिवेंट करता है। वैक्सीन लेने का यह मतलब कतई भी नहीं है कि आपको कोविड नहीं होगा, या आप जो मास्क ये सब का प्रयोग करते हैं वह ना करें या सजग ना रहें। बिल्कुल सारे प्रिकॉशंस ये सब लेने हैं, लेकिन हाँ, वैक्सीन लेने के अपने फ़ायदे हैं। जो भी लोग वैक्सीनेटेड हैं उन्हें सीवियर फॉर्म ऑफ कोविड, उनमें मोर्टैलिटी रेट या हॉस्पिटलाइजेशन रेट जो है बहुत कम हो जाती है। तो इसीलिए वैक्सीन ज़रूर लें। अगर आपने वैक्सीन का अपना कोई भी डोज मिस किया है, या अगर आप बूस्टर डोज लेने के लिए एलिजिबल हैं, तो बिल्कुल ही लें, उसमें कोई कोताही ना बरतें। बिल्कुल, मतलब बूस्टर डोज जो जिनकी बारी आ गई है, जिनका टर्म आ गया है बूस्टर के लिए, उनको भी हम बिल्कुल निवेदन करते हैं उनसे कि ज़रूर ये बूस्टर ले लें, ताकि आने वाले दिनों में जो कोरोना का जो प्रकोप आए दिन बदलते रूप में हो रहा है, उसका हम सामना कर सकें और बिल्कुल इसका असर हमारे ऊपर ना हो। चूँकि आज हमने दर्शकों से कहा है कि आज हम दमा पर विशेष करके बात करेंगे सर, तो ये जो दमा है, इसको पहले से कहा था, कहते आ रहे लोग कि बिल्कुल दम के साथ ही जाता है, तो क्या ये वाकई सच है? नहीं, दमा को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बिल्कुल भी ना डरें। दमा बहुत ही सामान्य बीमारी है। अगर हम देखें अपने आसपास तो काफ़ी सारे जो प्रसिद्ध लोग हैं उन्हें भी दमा से वो भी ग्रसित हैं, और वो बिल्कुल ही नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं। अगर आप बात करें फिल्म जगत की, तो उसमें प्रियंका चोपड़ा हैं, उन्हें भी अस्थमा है, वो खुद इस चीज़ को लेकर के आगे भी आई हैं। इसी तरह से अमिताभ बच्चन, या इंग्लैंड के एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं जो कि बहुत फेमस है, अब रिटायर हो चुके हैं, डेविड बेकम, या US के एक्स प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, इन सारे लोगों को अस्थमा से ये लोग पीड़ित हैं, बट ये बिल्कुल ही सामान्य जीवन जी रहे हैं। तो कई बार ये भ्रांति रहती है कि अगर दमा हो जाएगी तो दम के साथ ही निकलेगी, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। इसे हम कई और नाम से भी जानते हैं, अस्थमा इसका एक्चुअल टर्म है। इसके अलावा कई लोग इसे इयोसिनोफीलिया इत्यादि नाम से भी जानते हैं, या इयोसिनोफिलिक ब्रोंकाइटिस, ये सब भी बोलते हैं। तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं। यहाँ ये समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है कि कुछ बीमारियाँ होती हैं जो कि
पूरी तरह से क्योरेबल है। जैसे अगर किसी को इन्फेक्शन होता है, टीबी होता है, मलेरिया होता है, टाइफॉइड होता है, उसमें कुछ दिनों की दवा चलती है और वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। इसके विपरीत कुछ बीमारियां होती हैं जिन्हें पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे अगर किसी को हाइपरटेंशन है, थायराइडिज्म, थायराइड की बीमारी है, हाइपोथायराइडिज्म है, या किसी को डायबिटीज़ है, तो इसमें अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं, अगर आप इसमें मेडिसिन ये सब का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर से संपर्क में रहते हैं, तो ये कभी भी आपके लाइफस्टाइल में ये कोई हिंड्रेंस नहीं बनती है बीमारी। आप बिल्कुल ही नॉर्मल जीवन आप जी सकते हैं बीमारी के साथ। तो इसी तरीके से दमा जो है एक एलर्जिक प्रॉब्लम है, इसमें कई बार उतार चढ़ाव होते रहता है मौसम के बदलाव के साथ, बट इससे डरना बिल्कुल भी नहीं है। इसका इलाज बिल्कुल पूरी तरह से संभव है, पूरी तरह से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। कई सारे ओलंपियन हैं वो भी दमा से ग्रसित हैं, बट वो बिल्कुल ही नॉर्मल और हाईएस्ट लेवल पे अपना काम कर रहे हैं, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि ये जो दमा है वो एलर्जिक है, मतलब हम एक बार बहुत अच्छे से सही तरीके से लोगों को बताना चाहेंगे कि ये दमा आखिर क्या है, मतलब क्या होता है इसमें। देखिए, ये एक तरह की एलर्जिक बीमारी ही है। इसका और भी प्रारूप होता है, दमा का कई प्रारूप होता है। नॉर्मली इसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन रहता है। अगर आपके पूर्वजों को, स्पेशली अगर ग्रैंड पेरेंट्स को या फिर फादर मदर में से किसी को, या सिबलिंग्स में यानी कि भाई बहन में से किसी को अगर एलर्जी संबंधी प्रॉब्लम है, तो उसमें फिर दमा होने की आशंका ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ ही ये नॉर्मली बचपन से ही शुरुआत होता है। तो अगर बचपन में बार बार सर्दी खांसी होना, जैसे कई लोग बोलते हैं कि बचपन में लगातार निमोनिया हो जाता था, तो अगर बार बार सर्दी खांसी होता है, वीजिंग होता है यानी कि घड़घड़ाहट, छाती से घड़घड़ाहट की आवाज़ आती है, तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है, नाक से पानी गिरता है, धूल धुएँ के संपर्क में आने से प्रॉब्लम होता है, मौसम में बदलाव से प्रॉब्लम होता है, जल्दी जल्दी सर्दी खांसी इत्यादि होना, तो ये सारे सिम्टम अस्थमा के ही हैं। तो इसमें सजग हो जाना चाहिए। जहाँ तक बीमारी की बात बची, तो इसमें क्या होता है कि सांस की नली में सूजन आ जाती है। फेफड़ा बिल्कुल ठीक रहता है, फेफड़े में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। कई लोग पूछते हैं कि फेफड़ा कहीं कमज़ोर तो नहीं हो गया, फेफड़ा बिल्कुल ठीक रहता है, बट इसमें सांस की नली में सूजन आ जाती है। और सूजन होने के लिए कोई ना कोई ट्रिगर होना जरूरी है। ट्रिगर कुछ भी हो सकता है। कई लोगों में डस्ट, स्मोक इत्यादि से, धूल ये सब से, पॉल्यूशन से, या फिर पॉलन से इत्यादि से संपर्क में आने पर प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। कई बार मौसम में बदलाव होता है, या कोई अगर एसी में बैठा हुआ है, बाहर गर्मी में चला गया या अंदर बाहर हुआ, कुछ ठंडा खा लिया, उससे भी ट्रिगर हो जाता है। कई बार स्ट्रेस के कारण भी ट्रिगर होता है। तो ये सारे ट्रिगर से बचाओ और इसके बारे में जानना भी जरूरी है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। बिल्कुल, और बिल्कुल इसके लक्षणों के बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि क्या शुरुआती लक्षण देखने में आते हैं। लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या इसकी एक सर्टेन कोई एज है, उम्र है इसकी, या फिर किसी भी एज में दमा हो सकता है। सामान्य रूप से ये देखा गया है कि दमा जो होता है या अस्थमा जो होता है, इसकी शुरुआत बचपन में ही हो जाती है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर केस में ऐसा हो। कई बार लेट ऑनसेट अस्थमा भी होता है, यानी कि वृद्ध लोगों को भी होता है जिन्हें बचपन में या अपने जवानी के दिनों में कोई भी सिम्टम नहीं हो, बट वृद्धावस्था में आते आते सिम्टम शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा ये भी है कि कई लोगों में एलर्जी के अलावा भी और अन्य प्रॉब्लम से भी दमा की दिक्कत होती है। इसका अलग अलग प्रारूप है। जैसे हम लोग कफ वेरिएंट अस्थमा बोलते हैं, इसमें सांस ज़्यादातर नहीं फूलता है, वीजिंग नहीं होती है, बट पेशेंट जो कंप्लेन करता है वो खांसी की कंप्लेन ज़्यादा करता है। इसी तरीके से कुछ लोगों को सीजनल अस्थमा होता है, जो कि किसी विशेष सीज़न में, जैसे कि कोई, कुछ लोग बोलते हैं कि मार्च अप्रैल में ही सिर्फ पतझड़ के मौसम में ही उन्हें सिर्फ सांस संबंधी दिक्कत होती है, बाकी समय वो बिल्कुल ठीक रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको पेरेनियल अस्थमा रहता है, यानी कि ईयर राउंड उनको सिम्टम्स रहता है। इसी तरीके से कुछ लोगों को ड्रग इंड्यूस अस्थमा रहता है, कुछ कुछ स्पेसिफिक ड्रग जैसे कि बीटा ब्लॉकर जो कि हार्ट के पेशेंट्स में यूज़ होता है, या एस्पिरिन, ये सबसे भी उनमें प्रेसिपिटेट हो जाता है। और कुछ लोगों को ऑक्यूपेशनल अस्थमा रहता है, स्पेशली ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा डस्टी इन्वायरमेंट में, जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, वैसे में अगर काम कर रहे हैं कॉटन इंडस्ट्री में या कोलियरी में, तो उन लोगों में ये खतरा ज़्यादा रहता है। मतलब इसके भी बहुत सारे प्रकार हैं और अलग अलग इसके भी जो कारणों की अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग भी कारण हो सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि शुरुआत में ही हम ये पहचानें कि ये दमा के लक्षण हो सकते हैं और फौरन अपने चिकित्सक के पास जाएं, तभी पता चलेगा कि ये किस तरह का जो अस्थमा है। तो शुरुआती लक्षणों की अगर हम बात करें डॉक्टर साहब, तो क्या बताना चाहेंगे? देखिए, चूंकि ये सांस संबंधी बीमारी है, तो इसके जितने भी सिम्टम्स होते हैं वो भी सांस संबंधी ही होते हैं। तो ज़्यादातर इसमें खांसी आना, सांस फूलना, छाती में घड़घड़ाहट होना, और इनका बढ़ना घटना मौसम के बदलाव के साथ, धूल धुएं ये सबसे एक्सपोजर होने के कारण एलर्जी होना,
स्किन एलर्जी होना, शरीर में खुजली होना, नाक से पानी गिरना, आँख से पानी गिरना, ये सारे जितने भी सिम्टम्स हैं ये सब एलर्जी के सिम्टम हैं। और ये सारे सिम्टम्स जो हैं कई सारे ऐसे पेशेंट जिनको एस्थमा होता है उनमें भी एसोसिएटेड होते हैं। अच्छा। तो एस्थमा के मुख्य रूप से दो कोमॉर्बिडिटी होते हैं जो कि इनके साथ ही चलते हैं। ऐसा देखा गया है कि जिनको भी एस्थमा रहता है उसमें से कई सारे लोगों को एलर्जिक राइनाइटिस की भी प्रॉब्लम होती है। तो उन वैसे लोगों को नाक से पानी गिरना, छींक आना, नाक बंद हो जाना इत्यादि भी होता है, और कई लोगों को गैस संबंधी समस्या भी होती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो मौसम के बदलाव के साथ जो कभी कभी सर्दी खांसी हो जाती है, जो कि ज़्यादातर आसानी से जाती नहीं है, और छाती में घड़घड़ाहट होता है जिसे हम लोग वीजिंग भी कहते हैं, खांसी होना इत्यादि, सांस फूलना इत्यादि आपके एस्थमा के कॉमन सिम्टम्स हैं। जी जी, तो अगर इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, लक्षण दिखाई देते हैं, तो फौरन अपने नज़दीकी जो चिकित्सक हैं उनके पास जाना चाहिए। तो किस तरह से अगर इलाज की बात करें तो कैसे आप लोगों को बताएंगे कि हाँ भाई इसका इलाज है और दवाएं भी हैं और आप इसको अपने साथ लेकर अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है एस्थमा को डायग्नोस करना। तो मुख्य रूप से जो डायग्नोसिस होती है वो क्लिनिकल हिस्ट्री के बेसिस पर ही होती है। डॉक्टर आपसे कई सारे सवाल पूछ सकते हैं कि सिम्टम्स कब डेवलप होता है, किस तरह से खांसी आती है, वीजिंग होता है, रात को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है या दिन में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, आपके घर में किसी को इस तरह की प्रॉब्लम थी कि नहीं, एलर्जी की प्रॉब्लम थी कि नहीं, किसी विशेष प्रकार की चीज़ों के संपर्क में आने से आपको आपका प्रॉब्लम बढ़ जाता है कि नहीं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको डॉक्टर कर सकते हैं जिसके लिए आप अच्छे से उसका जवाब दें। इसके अलावा कुछ टेस्ट भी किया जाता है, अन्य बीमारी भी, काफ़ी सारी बीमारियाँ हैं जो इससे मिलती जुलती हैं। तो हो सकता है डॉक्टर आपसे आपके स्मोकिंग हैबिट के बारे में भी पूछे कि आप धूम्रपान करते हैं कि नहीं, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा धूल धुआँ ये सब का एक्सपोजर है कि नहीं। इसके अलावा हो सकता है कि जांच में चेस्ट एक्सरे, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जिसका कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और फेनो यानी कि फ्रैक्शन ऑफ एक्सपायर्ड नाइट्रिक ऑक्साइड, AOS इत्यादि की भी जाँच, और कुछ खून जाँच, ये सब योसिनोफिल्स ये सब देखने के लिए भी डॉक्टर्स करने की सलाह दे सकते हैं। जी जी। जहाँ तक इलाज की बात है तो मुख्य रूप से जो एस्थमा का इलाज जो होता है वो इन्हेलर्स के द्वारा ही होता है। यहाँ पर एक भ्रांति है कि अगर इन्हेलर्स का इस्तेमाल करेंगे तो इसकी आदत लग जाएगी, उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, उसका बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव होता है। ये बिल्कुल ही गलत है, ये भ्रांति है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि अगर आपको सपोज़ घुटने में दर्द है और अगर कोई डॉक्टर आपको सलाह देता है कि आप इसके लिए 10 दिन के लिए गोली खाइए सुबह शाम, और एक कोई डॉक्टर अगर आपको सलाह देता है कि आप गोली मत खाइए, आप सिर्फ इसमें मलहम लगाइए या स्प्रे कर लीजिए, तो कॉमन सेंस की बात है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो स्प्रे ही चूज़ करेंगे। इसके पीछे रीज़न क्या है कि गोली अगर आपके शरीर में जाती है तो गोली को नहीं पता है कि आपको किस हिस्से में दर्द है, वो गोली पेट में जा कर के खून में जाती है और वो पूरे शरीर में सामान्य रूप से काम करती है। उसमें से कुछ प्रतिशत जो है जहाँ पे आपको तकलीफ है वहाँ पर जाके काम करती है, और बाकी 99% जो है वो पूरे शरीर में घुल जाती है, किडनी में जाती है, लिवर में जाती है, हर जगह जाती है। तो इसी तरीके से साइंटिस्ट लोगों ने जब इस बात को समझा तो उन्होंने इन्हेलर्स का इजाद किया, और उसमें बहुत कम मात्रा में दवाइयाँ जो हैं दी गई, और वो दवाइयाँ सीधे सांस की नली तक पहुँच जाती है। तो एक तो डायरेक्ट जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पहुँच जाती है, और इसकी मात्रा बहुत कम लगती है, ये खून में नहीं जाती है, तो इसके कारण इसका साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है और आदत बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। ये समझिए कि ये क्रोनिक इलनेस है, जड़ से इसे नहीं ख़त्म किया जा सकता है, समय के साथ साथ मौसम के प्रभाव के साथ, एलर्जन के प्रभाव के साथ घटता बढ़ता रहता है ये। तो इन्हेलर्स अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप बिल्कुल ही स्वस्थ रहेंगे और आपको परमानेंट प्रॉब्लम नहीं होगा। कई बार लोग ऐसा समझते हैं कि इन्हेलर जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तभी इस्तेमाल करेंगे, और ऐसा करने से जो एयरवे होता है, सांस की नली होती है, उसमें इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है और बाद में फिर दवाइयाँ काम करनी बंद कर जाती है। तो जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप डॉक्टर से सलाह लें, वो उचित सलाह देंगे जब भी इन्हेलर के लिए वो आपको सजेस्ट करते हैं। और इन्हेलर्स ऐसा भी नहीं है कि हमेशा लेना पड़ता है, कई बार उसके डोजेस में उतार चढ़ाव भी होता है। अगर सिम्टम फ्री है पेशेंट तो कई बार हम लोग दवा कुछ दिनों के लिए बंद भी कर देते हैं या बोलते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर ले, तो डॉक्टर से संपर्क में जरूर रहें। बिल्कुल, और इनहेलर जो है वो इसमें एक अच्छे रूप में ये कार्य करता है, ये कह सकते हैं, इसका नेगेटिव रूप बिल्कुल नहीं है जो अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसके इलाज में सिर्फ इनहेलर पर्याप्त है या फिर और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है समय के मुताबिक?
नहीं बिल्कुल, इन्हेलर्स एक प्रारूप है जिसके थ्रू इनका इलाज किया जाता है। इसके अलावा ओरल ब्रोंकोडायलेटर या एंटी एलर्जिक इत्यादि का भी इस्तेमाल किया जाता है। कई बार जब पेशेंट को एक्सेसर्वेशन आता है यानी कि आस्थमा बिगड़ जाता है, अच्छा, तो उस सिनेरियो में हम लोग इन्हेलर्स को जो मेडिसिन रहती है उसको नेबुलाइजेशन के थ्रू भी, भाप के थ्रू भी देते हैं, और साथ में स्टेरॉयड ये सब भी देना पड़ता है जो कि इंजेक्टेबल या फिर ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉयड के रूप में। तो इसके अलावा एंटी एलर्जिक मेडिसिन में मोंटेलुकास्ट, लेवोसिट्रिजिन इत्यादि का भी, और कुछ ओरल ब्रोंकोडायलेटर्स जैसे कि डॉक्सीफाइलिन, एसिब्रोफाइलिन इत्यादि का भी यूज़ हम लोग करते हैं। लेकिन ज़्यादातर मुख्य रूप से जो इलाज होता है वो इन्हेलर्स के द्वारा ही होता है। ये सारी बाकी जितनी दवाइयाँ हैं वो एड ऑन थेरेपी है। अगर इन्हेलर्स ठीक से काम नहीं कर रहे या साथ में कोई कोमॉर्बिडिटी है जैसे कि एलर्जिक राइनाइटिस है, नाक में एलर्जी की प्रॉब्लम है, तो फिर हम लोग कई बार नेजल स्प्रे या कुछ एंटी एलर्जिक मेडिसिन साथ में ज़रूर ऐड करते हैं। जी, तो आपने अभी जो कहा कि जब जो अस्थमा है जब बिगड़ जाती है, तो ये जो बिगड़ने वाली बात है ये किस स्थिति में होती है? कब हम लापरवाही बरतते हैं या देर से पहुंचते हैं इलाज में, या क्या क्या कारण है बिगड़ने का? अस्थमा बिगड़ने के कई सारे कारण हैं। मुख्य रूप से अगर आप दवाई का सही रूप से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो गया है जैसे कि अभी वायरल इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन है, तो अस्थमा के पेशेंट स्पेशली जितने भी एस्थमेटिक हैं उनको सजग रहना चाहिए। अगर उन्हें वायरल इन्फेक्शन होता है तो उसके कारण एक्सेसर्वेशन यानी कि अस्थमा बिगड़ने का खतरा रहता है। तो जिस तरह से कोविड के लिए वैक्सीन है उसी तरीके से फ्लू के लिए भी वैक्सीन होता है, निमोनिया के लिए भी वैक्सीन होता है। तो वो अपनी डॉक्टरी सलाह के अनुसार ज़रूर वो सारे वैक्सीन भी ले लें ताकि आप प्रोटेक्टेड रहें। इसके अलावा अस्थमा बिगड़ने के पीछे जो मुख्य रूप से और अन्य कारण है वो है कि अगर आपका जो ट्रिगर है उसका बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि आप ऐसे जगह पे जाते हैं जहाँ पे जिस चीज़ से आपको एलर्जी बहुत ज़्यादा है उसका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर अगर आपको हो जाता है तो उसके कारण भी प्रॉब्लम होता है, इन्फेक्शन के कारण होता है। अगर दवाएँ आप ठीक से नहीं ले रहे हैं और आप सतर्क नहीं है तो उसके कारण भी बिगड़ जाता है। और अस्थमा बिगड़ने पर क्या होता है कि सांस की गति तेज़ हो जाती है, कई बार वीजिंग साउंड आने लग जाता है, घड़घड़ाहट की, साई साई की आवाज़ होने लग जाती है। सीरियस फॉर्म में ऑक्सीजन की भी कमी हो सकती है और वैसे केस में हो सकता है कि पेशेंट को एडमिट भी करना पड़े और एडमिट कर करके इलाज करना पड़े। जी, दमा में जब बिगड़ने की स्थिति आ जाती है डॉक्टर साहब, तो क्या ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि दमा मौत का कारण बन जाती है? बिल्कुल, सामान्य रूप से दमा के बारे में जैसे मैंने बताया कि बहुत ही सिंपल बीमारी है, बहुत ही आसानी से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, बहुत ही कम मेडिसिन के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अगर आप सतर्क नहीं रहते हैं, अगर आप ध्यान नहीं देते हैं, तो जिस तरीके से अगर आप अपने कोलेस्ट्रॉल पर ध्यान नहीं देते हैं, अगर आप अपने शुगर पर ध्यान नहीं देते हैं, तो ये सब स्लो किलर है। मतलब समय के साथ साथ अगर आप शुगर पर ध्यान नहीं देते हैं तो उसके कारण किडनी की परेशानी, हार्ट की परेशानी भी बढ़ जाती है और हार्ट अटैक का भी खतरा हो जाता है, किडनी फेल होने का भी खतरा हो जाता है। उसी प्रकार से दमा बहुत ही सिंपल बीमारी है, लेकिन अगर आप उसका ठीक से इलाज नहीं करते हैं, डॉक्टर के कहे अनुसार मेडिसिन नहीं लेते हैं, प्रिकॉशन नहीं बरतते हैं, तो फिर वैसे स्थिति में, बिगड़ने के स्थिति में कभी कभी जानलेवा स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है और जान का खतरा भी उत्पन्न हो सकता है। जी, जी। तो जो दमा के मरीज हैं उनको जब वो ट्रैवल करते हैं या एक जगह से दूसरी जगह उनको किसी कारणवश जाना पड़ता है, या फिर अपना कुछ अगल बगल का एनवायरनमेंट जो है चेंज होने वाला है उनके लिए, तो उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? मैं यही सलाह दूंगा कि जब भी, जैसे कई सारे पेशेंट्स रहते हैं वो घूमने फिरने के लिए बाहर भी जाते हैं, कई बार हाई एल्टीट्यूड पे भी जाते हैं, ऐसे कई सारे पेशेंट्स मुझसे मिलते हैं जो कि बोलते हैं कि हम लोग अभी छुट्टियां हो रही हैं, हम लोग लेह लद्दाख जाएंगे। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, आप इन्जॉय कर सकते हैं लाइफ। लेकिन जब भी इस तरह का सडन कहीं पे अगर इन्वायरमेंट चेंज होने वाला है तो डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। आप अपने संग अपना जितना भी मेडिसिन है, खासकर इन्हेलर्स ये सब है, उसको ज़रूर ही रखें। आप डॉक्टर से ये भी बोल सकते हैं कि हम काफ़ी दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, हो सकता है आपसे मिलना संभव नहीं हो। तो वैसी स्थिति में कई बार डॉक्टर्स जो हैं वो अस्थमा का एक सिस्टमैटिक प्लान जो है पेपर पे भी लिख के दे देते हैं कि अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है तो आपको कौन कौन सी मेडिसिन का यूज़ करना है। और आजकल चूंकि संपर्क करना बहुत आसान हो गया है, तो टेली कंसल्टेशन पर भी आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम होने की स्थिति में। बिल्कुल, तो अपने जीवनचर्या में हम हमेशा डॉक्टर साहब कहते हैं कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाना चाहिए और उसमें व्यायाम को हम जरूर शामिल करते हैं, तो दमा से रिलेटेड अगर कोई व्यायाम हो किसी तरह का तो आप बताना चाहेंगे? हेल्दी लाइफस्टाइल जीना बहुत ही ज़रूरी है किसी भी बीमारी के लिए, खासकर जो कि लाइफस्टाइल बीमारियाँ होती हैं, यहाँ तक कि एलर्जी के लिए भी ये बात
सही है। इसके अलावा सिर्फ व्यायाम ही नहीं, खाना पीना पर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एस्थमा में कई बार पेशेंट्स पूछते हैं क्या खाना है, नहीं खाना है। एक सामान्य भ्रांति ये भी रहती है कि दही, केला, दूध इत्यादि जो है खट्टी चीज़ें जो हैं ये सब हार्मफुल होती हैं बॉडी के लिए और इससे एलर्जी हो जाती है। ऐसा नहीं है, सामान्य रूप से देखें तो ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों को खाने से ये चीज़ें ठंडी होती हैं या इन चीज़ों को खाने से एलर्जी बढ़ जाती है। ज़्यादातर जो एलर्जी हम लोग भी एलर्जी टेस्टिंग करते हैं तो उसमें डस्ट माइट या फंगस ये सबसे ज़्यादा एलर्जी आता है, खाने पीने वाली चीज़ों से सामान्य रूप से एलर्जी नहीं आता है। हाँ, कुछ लोगों को मूंगफली के दाने या फिर सी फूड इत्यादि से ज़रूर एलर्जी होती है। यहाँ पर यह जानना ज़रूरी है कि जितने भी फल ये सब होते हैं उनको आप आराम से खाएँ, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी चीज़ से आपको लगता है कि जब भी आप खाते हैं और प्रॉब्लम हो जाता है, खांसी की समस्या उत्पन्न हो जाती है, तब उसे आप अवॉइड करें, यानी कि ट्रिगर पहचानना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से अगर हम व्यायाम की बात करें तो सांस संबंधी जितनी भी व्यायाम है वो बहुत ज़रूरी है। किसी भी तरह से अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करें। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप आराम से चले फिरें, घूमें फिरें, एरोबिक एक्सरसाइज करें। योगा करने से भी बहुत फ़ायदा होता है। कई सारे लोग को हम लोग सलाह देते हैं कि आप अनुलोम विलोम प्राणायाम ये सब किया कीजिए, उससे श्वसन तंत्र मजबूत होता है और फ़ायदा होता है। खुले हवा में ज़रूर जाएं, पॉल्यूशन से बचें। जब भी पॉल्यूटेड वातावरण में जा रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें, इन्फेक्शन से बचने की कोशिश करें, सही समय पर वैक्सीन लें और खुले वातावरण में ज़रूर एक्सरसाइज करें। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि किस तरह का व्यायाम अपने जीवनचर्या में लाना चाहिए और खान पान में भी आदतों का जो है वो बदलाव हमें करना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं सर, लेकिन अब चूँकि कोरोना पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, चूँकि कोरोना ने फिर से एक बार अपना रूप दिखाना शुरू किया है, जो संक्रमित लोग हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, ऐसे में जो दमा के मरीज हैं उनके लिए आप क्या फिर से एक बार सलाह देना चाहेंगे? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि कोरोना अभी भी पूरी तरह से हमारे साथ ही चल रहा है, ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म हो गया है। और इसी के साथ साथ फ्लू भी अभी बहुत कॉमन है, दोनों में डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही मुश्किल है। दोनों के सिम्टम्स बिल्कुल ही आपस में मिलते जुलते हैं। तो जब भी आप ट्रैवल करते हैं तो आप सजग रहें, जहाँ भी भीड़ भाड़ वाले जगह में जाते हैं तो ज़रूर मास्क का इस्तेमाल करें। अगर आप या आपके सगे संबंधी कोई भी जो है जो कि अस्थमा या दमा से पीड़ित है तो उसमें ये हमेशा खतरा रहता है कि अगर उन्हें इन्फेक्शन होगा तो उनका दमा बिगड़ सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले तो है कि कोविड के समय में सजग रहें, मास्क का हमेशा प्रयोग करें, भीड़ भाड़ वाले जगह जाने से बचें, वैक्सीन ज़रूर लें। अगर आप वैक्सीन कोई भी डोज मिस कर गए हैं या अगर आप बूस्टर के लिए एलिजिबल हैं तो ज़रूर लें। और इसके अलावा इनहेलर्स ये सब सदा अपने पास रखें, कोई भी प्रॉब्लम होने पे डॉक्टर से संपर्क करें। खान पीने के बारे में मैं एक और सलाह दूंगा जो कि मैं पिछली बार बोलना भूल गया था। इसमें हम लोग ज़्यादातर बोलते हैं कि प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करने बोलते हैं। बचपन में कई सारे लोग जो होते हैं अपने बच्चों को चिप्स इत्यादि दे देते हैं, प्रोसेस्ड फूड इत्यादि दे देते हैं। तो हम लोग इसमें मेन रहता है कि जितने भी हार्मफुल केमिकल्स ये सब रहते हैं उनसे एलर्जी की संभावना बढ़ जाती है। तो इसीलिए प्रोसेस्ड फूड यानी कि चिप्स, पिज़्ज़ा इत्यादि या जिसमें फूड एडिटिव्स ये सब हैं या डिब्बा बंद खाना है वो सब अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल, मतलब खान पान में भी बहुत ध्यान रखना है और इस कोरोना काल में जो भी गाइडलाइंस हैं उनका तो पालन सभी को करना है, लेकिन अगर खास करके जो दमा के मरीज़ हैं, सांस की बीमारी है, उनको तो बहुत ही ज़्यादा सख्ती से इनके इसका पालन करने की ज़रूरत है। जैसा आपने बताया कि फ्लू से और इस कोरोना के लक्षण बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं, तो इसमें खांसी से या छींकने से भी एक दूसरे में संक्रमण जो है वो फैलता है, दमा के साथ भी ऐसा ही होता है क्या? दमा बिल्कुल भी छुआछूत की बीमारी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप किसी व्यक्ति जो कि अस्थमा से पीड़ित हैं अगर आप उनके संपर्क में आते हैं तो आपको भी अस्थमा होने का खतरा रहेगा। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ज़रूर होता है, यानी कि अगर आपके फैमिली मेंबर्स को यानी कि खून के रिश्ते में अनुवांशिक है, बट इसमें छुआछूत की बीमारी बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए अगर कोई भी दमा रोगी आपके संपर्क में आता है तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, उससे आपको कोई खतरा नहीं है। बिल्कुल, लेकिन ये चूंकि कोरोना का काल है तो मास्क लगाना अनिवार्य है, तो इसका पालन ज़रूर हमें करना चाहिए। दमा का इलाज अगर बखूबी ना हो तो क्या ये अन्य अंगों पर, अन्य हमारे शरीर के अन्य तंत्रों पर भी प्रभाव डाल सकता है क्या? बिल्कुल, अगर दमा का इलाज ठीक से नहीं लेते हैं और ये अगर बिगड़ जाता है यानी कि सीवियर फॉर्म ऑफ दमा रहता है तो उसके कारण लंग के साथ साथ हार्ट ये सब भी अफेक्ट होना शुरू हो जाता है, जिसमें कि हार्ट फेलियर होने का भी चांसेस रहता है। ऑक्सीजन की कमी होती है जिसके कारण हार्ट पे भी असर पड़ता है। पल्मी आर्टरी हाइपरटेंशन या कोर पर्मोनिल, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि हार्ट के जो चार चैम्बर होते हैं उसमें से राइट साइड का जो चैम्बर है उसका साइज़ बढ़ जाता है, जिसके कारण परेशानी होने लग जाती है।
जी, मतलब दमा को अगर कंट्रोल ना करें या उसका इलाज ना करें तो हमारे शरीर के अन्य अंगों पर भी इसका जो प्रभाव है बहुत ही बुरा पड़ता है। तो डॉक्टर साहब, अब समय हमें इजाज़त नहीं दे रहा है कि आपसे और सवाल करें। बहुत सारी बातें आपने बताई हैं, महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। चलते चलते अगर दो लाइन में कोई संदेश आप देना चाहें लोगों को। दमा से बिल्कुल भी ना डरें, इन्हेलर्स का उपयोग सदैव करें, डॉक्टर से सलाह जरूर लें, अपने ट्रिगर्स को पहचानें और हेल्दी जीवन जिए। धन्यवाद जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई है। हेल्दी जीवन जी, लाइफस्टाइल हमारे सही रहेगा तो हम हर तरह के रोगों से दूर रहेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया है, बहुत ही अच्छी जानकारियाँ आपके माध्यम से मिली हैं, लोगों का इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।